हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। 2023 में ये क्वेश्चंस पक्का आएंगे, ये पूरी पूरी आशा है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यदि 3 cot A = 4 हो तो sec A का मान बताइए। तो ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा तो कैसे हम हल करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है। ऑप्शन 1 है 3/4, ऑप्शन 2 5/4, ऑप्शन 3 2/3 और 4 3/2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आप इसको हल करके इसको करना है। तो हल करेंगे इसको, तो देखिए कैसे हल करेंगे। अगर 3 cot A = 4 है, ठीक है, 3 cot A = 4 है अगर, या अब देखिए कॉट ए बराबर अगर निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा 3, इधर पक्षांतर होकर आएगा तो 4/3 हो जाएगा, यानी कॉट ए बराबर हो गया 4/3। अब देखिए कॉट ए बराबर होता है, अगर हम कॉट ए का फॉर्मूला बताएं आप लोगों को, तो कॉट ए बराबर देखा जाए तो ये हो जाता है लंब बटा आधार, 10 A का होता है, तो कॉट ए का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। ठीक है, आधार बटा के लंब। तो देखिए जैसे कि अगर हम कोई समकोण त्रिभुज बनाएं, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है और ये कोण ए है, ये बी और ये सी, ठीक है, तो ये कोण अगर ए है तो यह जो रेखा होती है जो ए बी होती है इसे हम आधार कहते हैं, यानी कि आधार 4 दिया है, और इसको हम लंब कहते हैं यानी कि लंब 3 दिया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो ये भुजा होती है ना, ये भुजा का स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों के भुजा के स्क्वायर के युगफल के बराबर होता है, यानी कि अगर हम AC बराबर निकालें, AC हमें निकालना है, तो हम रूट में क्या करेंगे, इस AB के स्क्वायर धन BC का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, BC का स्क्वायर, तो AC बराबर हो जाएगा हमारा, AB का मान कितना है, AB का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर धन BC का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो AC बराबर हमारा हो जाएगा रूट में 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, तो AC बराबर हो जाएगा 16 और 9 होता है 25। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया AC बराबर 5, 5 × 5 = 25। ये हमारा आंसर नहीं है, हमने बस इसका मान निकाला अभी 5। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा है sec A का मान बताइए। ठीक है, sec A का हमें मान बताना है, तो sec A बराबर हमको पता है कि हम जानते हैं कि cos A बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण cos A बराबर, तो cos A का उल्टा sec A होता है, तो sec A बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो देखिए अगर कर्ण के जगह पे यहाँ पे 5 निकला है ना, तो 5 रख देंगे, और बटा में आधार की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि sec A का मान क्या निकल गया, 5/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर तैयार कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 देख सकते हैं, 5/4, यही आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमारा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमारा, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए कभी भी माध्य पूछे तो हमें क्या करना होता है, देखिए प्राकृतिक संख्या का माध्य पूछा है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर पूरी संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन 9 तक ही पूछा है, तो जहाँ तक भी की संख्याओं का समांतर माध्य पूछता है उन संख्याओं को जोड़ देते हैं। ठीक है, उन संख्याओं को जोड़ने के बाद से जितनी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं से डिवाइड कर देते हैं, उन संख्याओं की संख्या से। तो देखिए कैसे करेंगे, 1 से 9 तक का है ना, तो जोड़ देंगे 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9। ठीक है, इस तरह से जोड़ देंगे इन सभी संख्याओं को, और इसमें डिवाइड कर देंगे किस संख्या से, इन सभी संख्या को गिनेंगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है ना, तो 9 से हम डिवाइड कर देंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब देखिए इन सभी संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे ना तो 45 आएगा, 45 आएगा। ठीक है, आप जोड़ करके देख सकते हैं, और बट्टा में नीचे अगर 9 है तो 9 से अगर भाग कर देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, 9 × 5 = 45, और 5 हमारा आंसर यानी समांतर माध्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी समांतर माध्य क्या निकल गया, समांतर माध्य बराबर आ गया 5। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा सही है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर बार आता है। ठीक है, अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 15 18 तथा 24 का लसा
है, यानी कि हमें 15, 18 और 24 का लसन याद करना है। ये सभी बच्चों को आता होगा, सबको ये करने आता होगा, ठीक है। देखिए आसानी से हम इसका लसन निकालेंगे, 15, 18 और 24 का। तो इसका लसन निकालते हैं, तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, ये 15 नहीं कटेगा, एज इट इज रह जाएगा। 18 कट जाएगा 9 बार में और 24 कटेगा 12 बार में, ठीक है। इस तरह से कटता जाएगा, 2 से काटेंगे 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, अब ये 6 बार में कट जाएगा 12, ठीक है। 2 से फिर काटेंगे 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 3 बार में। अब देखिए कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी तो अब 3 से काटेंगे, 3 पंचे का 15, 3 तीन का 9, 3 एकम 3, यानी कि इतनी संख्याएँ कट गई। अब देखिए फिर 3 से काटेंगे, 5, 3 एकम 3 और 1 है तो 1। अब 5 से काट देंगे क्योंकि 5 ही एक बचा है, तो इसमें भी 1, 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना हमें करना होता है लसन में। अब देखिए इसका गुणा करा देंगे, वही हमारा लसन निकलेगा। तो गुणा कराएंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। देखिए इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 दिया होता है 72, और 72 पच्चे क्या होगा, 72 पच्चे 360 होगा, ठीक है। 72 पच्चे आप कर सकते हैं, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 6 = 36, ठीक है। यानी कि इसका आ गया आंसर 360, यानी कि इसका लसा क्या निकल के आ गया, 360। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही है, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। देखिए बिंदु 3, 4 एक मूल बिंदु से, मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी होगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मूल बिंदु क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि अगर मैं बता दूं तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना, चलिए हम इसको सॉल्व करके अच्छे से आपको दिखा देते हैं, ताकि ये अति लघु उत्तरी में भी आए तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु से इसकी दूरी पूछा है, तो मूल बिंदु पहले समझना जरूरी है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो लिखेंगे मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0, हमेशा याद रखिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0, जहाँ पे इसको हम x1 बोलते हैं, इसको y1 कह सकते हैं, और दिया है, क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, दिया है 3, 3, 4, ठीक है। इसको हम x2 ले लेंगे और इसको y2, यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब देखिए हमें बीच की दूरी पूछा, यानी बिंदु से दूरी, इसकी दूरी यानी कि इससे इसके बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी थी, यानी कि बीच की दूरी का एक फार्मूला होता है, निर्देशांक ज्यामिति का जो क्वेश्चन है इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बीच की दूरी का जो सूत्र होता है क्या होता है, बीच की दूरी यानी डिस्टेंस इज इक्वल होता है रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, इसे याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे आते हैं। तो अब देखिए हमें क्या करना है, सिंपल सा, हमें x2 की जगह पे x2 का मान, x1 की जगह पे x1 का मान, y2 की जगह पे y1 का मान, y2 की जगह पे, ऐसे ही करके इन सभी का मान रख देना है। देखिए x2 का मान ये है 3 है, तो x2 की जगह पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, माइनस का x1 की जगह पे क्या है, 0 है, तो 0 रख देंगे, 0 का होल स्क्वायर, 3 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस में आगे देख सकते हैं y2 का मान कितना है, 4, y2 4 रखेंगे, y1 के जगह पे क्या रखेंगे, 0, तो माइनस में 0 और इसका स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो रूट में आ जाएगा, 3 में से अगर 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा, यानी 3 का स्क्वायर, धन 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम इसको करते हैं, अगर इस 3 का स्क्वायर करें तो 9 हो जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर करें तो 16 हो जाएगा। अब इस 16 और 9 को जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और बराबर में ये हो जाएगा 5, यानी रूट में 25 का मान होता है 5। क्यों, कैसे होता है, देखिए रूट में अगर 25 है ना, इसको हम लिख सकते हैं रूट में 5 × 5, ठीक है, और एक जोड़ा बन जाता है तो 1 5 बाहर निकल जाता है, वही 5 हमारा जो होगा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिया है 6, 5, 4, 3, तो इसमें ऑप्शन 2 हमारा 5 है, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, m के रूप में होगा, m प्लस 1 के रूप में 2m और 2m प्लस 1। देखिए ऐसा कोई सम पूर्णांक के रूप में पूछा है ना, तो कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे हम सम धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर 2 से m में 2 से विभाजित करेंगे तो कुछ नहीं आने वाला, m प्लस 1 में अगर 2 से विभाजित करेंगे तो नहीं कटेगा,
टू यम में अगर दो से विभाजित करेंगे ना तो दो से दो कट जाएगा यानी यम बचेगा, यानी कि सम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कौन है, टू यम है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो होगा ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, लेसन 1 का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान होगा, ठीक है। इसका मान हमें निकालना है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न में हर साल पूछा जाता है। देखिए साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान आपने टेबल में यानी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपने पढ़ लिया होगा कि रूट में 3/2 होता है, ठीक है। अब देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, ये मान होता है। तो देखिए इसमें स्क्वायर है तो यानी कि इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। देखिए साइन 60 की जगह पे क्या लिखें, साइन स्क्वायर 60 की जगह पे लिखेंगे रूट में 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में से आप समझ सकते हैं, रूट में 3/2 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर 30 है ना, तो साइन 30 का मान 1/2 और साइन स्क्वायर 30 है तो स्क्वायर इस पर भी लग जाएगा, ठीक है। देखिए अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा, बटा में नीचे 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बटा में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 3 में से अगर 1 को हम घटा देते हैं, अगर हर बराबर है तो 3 में से 1 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सिंपलीफाई कर दें तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 यानी कि 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान बताइए। k का मान हमें ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए k का मान निकालने के लिए जो द्विघात समीकरण होता है तो द्विघात समीकरण में हम विभिक्तर का प्रयोग करेंगे, विभिक्तर के सूत्र का, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को कभी भी हल करने के लिए हम क्या करेंगे, विभिक्तर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो विभिक्तर का सूत्र क्या होता है, विभिक्तर का सूत्र जो होता है d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। तो देखिए b² - 4ac, बी ए और c का मान कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो समीकरण दिया गया है 3x² - 6x + k, तो इसमें हम देखेंगे a बराबर क्या है, a एक जगह पे 3 है, b बराबर क्या है, b की जगह पे माइनस का 6 है, c की जगह पे क्या है, ये k है, ठीक है। और यही मान इसमें रख देना है, b² के जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस का 6 का स्क्वायर, माइनस 4 की जगह पे 4 ही रहेगा, गुणे में a की जगह पे 3 रखेंगे और गुणे में c की जगह पे हम k रख देंगे, ठीक है। अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6×6=36, माइनस का चिन्ह हट जाएगा, ठीक है, माइनस का 4×3 12 हो जाएगा, 12k, ठीक है, 12k हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस 12 यहाँ पे लिखते हैं, -12k और इस 36 को पक्षांतर करके इधर लाते हैं तो माइनस का 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 से ये 36 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि ये बराबर आ जाएगा, 12×36 होता है, k बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा 3 आया है यही हमारा आंसर होगा, और यही ऑप्शन नंबर 1 जो होगा 3 सही होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दो संख्याओं ए तथा बी का एचसीएफ 5 है तथा एलसीएम 200 है, तब ए तथा बी का गुणनफल क्या होगा। देखिए हम एक फार्मूला बता रहे हैं आपको, ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए। देखिए लॉस और मॉस का गुणनफल होता है दो संख्या का गुणनफल, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, लस और गुणे मस बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो लस कितना दिया है 5, गुणे मस कितना दिया है 200, ठीक है, यानी कि एलसीएम कितना दिया है इसका 200, लस के जगह पे 200 रखेंगे और मस के जगह पे 5, कोई कहीं भी रखें, ये तो गुणा है तो गुणा में कहीं भी रखें उससे कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल हमें कौन कौन दिया है, ए और बी का गुणनफल ज्ञात करना है, तो ए इंटू बी दो संख्याएं हैं और इन्हीं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो a इंटू बी बराबर हो जाएगा a गुणे बी, इसको हम इधर लिख ले रहे हैं, और इस 5×200 को इधर लिखेंगे और यहीं पे गुणा करा देंगे 5×10, यानी कि 1000 आ जाएगा, ठीक है। ये जल्दी करने का ट्रिक है, आप जल्दी से कर सकते हैं, मैंने कुछ स्टेप खा लिया है तो आपको खाना पड़ेगा, तभी तो टाइम बचेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही है, ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 2×10^30/1+10^30 का मान होगा। देखिए 10^30 का मान हमको पता है, 10^30 का मान हम टेबल में याद कर चुके थे कि 10^30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। अब यही मान हम इस पे रख देंगे, तो 2 है तो 2 रखेंगे गुणे में 10 के 30 की जगह पे क्या रख देंगे 1/√3,
ठीक है, और बटा में वन है तो वन रखेंगे, प्लस में टेन स्क्वायर थर्टी है तो वन बाई रूट में थ्री का स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो दो का गुणा इसमें एक में हो जाएगा, दो बट्टा रूट में थ्री और बट्टा में वन प्लस एक का स्क्वायर एक होगा, बट्टा में तीन का स्क्वायर, रूट में तीन का स्क्वायर तीन ही होगा, ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, दो बट्टा रूट में थ्री बट्टा में तीन का गुणा एक में होगा तीन प्लस एक, इसमें कुछ नहीं है तो नीचे एक मानेंगे, एक का गुणा एक में होगा तो एक बट्टा में तीन। इसको सॉल्व करके आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो इसको इधर ही आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये चीज़ हमने ऐसे ही लिखा है टेबल से, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, दो बट्टा का रूट में थ्री बट्टा में तीन, एक चार हो जाएगा बट्टा में थ्री, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दो बट्टा का रूट में थ्री, ठीक है। अब इसको इस चार बट्टा तीन को हम ऊपर भेजेंगे गुणे में, यहाँ पे तीन हो जाएगा बट्टा में चार आ जाएगा। इसको जब ऊपर भेजेंगे ना तो ये जो नंबर होता है ये ऊपर जाता है और ये इसमें गुणा होता है, तो इस तरह से हम गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम टू बट्टा रूट में थ्री और गुणे में इस तीन को हम लिख सकते हैं रूट में तीन गुणे रूट में तीन। जब दो बार में रूट में दो गुणे रूट में दो लिखते हैं तो इसका मान दो निकलता है, तो रूट थ्री गुणे रूट में थ्री लिखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, थ्री आएगा। तो इस थ्री के जगह पे रूट में थ्री गुणे रूट में थ्री लिख सकते हैं और बट्टा में चार, एक रूट थ्री से एक रूट थ्री कैंसिल और दो से इसको काटेंगे तो दो बार में ये कैंसिल, तो आ गया हमारा सारा कट गया, ये चीज़ बचा है तो रूट में थ्री बाई टू, ये हमारा आंसर आ गया। और रूट में थ्री बाई टू किसका बार किसका मान होता है, रूट में जो थ्री बाई टू होता है किसका मान होता है, साइन सिक्सटी का मान होता है, रूट में थ्री बाई टू साइन सिक्सटी का मान। तो ऑप्शन में हम देख सकते हैं, ऑप्शन में दिया है साइन सिक्सटी, साइन कॉस सिक्सटी, टेन सिक्सटी और साइन थर्टी, तो साइन सिक्सटी का मान ऑप्शन नंबर एक हमारा जो होगा ये सही होगा, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि टेन थीटा बराबर ए बटा बी, यहाँ थीटा है, टेन थीटा बराबर ए बटा बी हो तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बटा बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का मान क्या होगा। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ई बी साइन थीटा दोनों में हम क्या करेंगे, कॉस से हम डिवाइड करेंगे, लिखेंगे बी साइन, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, थीटा माइनस ए कॉस थीटा बटा में बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इसी तरह से लिखेंगे और बट्टा में इसमें हम डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा से, ठीक है। यहाँ पे हमें बस ऊपर वाले में हम भाग कर दिए कॉस थीटा से, अब बट्टा में क्या करेंगे यह चीज़ लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, अब फिर बट्टा में हम कर देंगे कॉस थीटा से, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए डिवाइड करने से हमें ये मिलेगा बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये टेन थीटा हो जाएगा और माइनस इसमें भी ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए बट्टा में, यहाँ भी देखिए नीचे बी साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा, तो बी टेन थीटा हो जाएगा और बीच में प्लस और यहाँ पे ए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा तो ए लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या करेंगे, बी टेन थीटा, देखिए टेन थीटा बराबर हमें क्वेश्चन में दिया है टेन थीटा बराबर ए बाई बी, तो अब यहाँ पे इस टेन थीटा की जगह पे ए बाई बी हम रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बी इंटू टेन थीटा की जगह पे ए बाई बी अब माइनस में ए, ठीक है, और बट्टा में फिर बी टेन थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बी इंटू टेन थीटा की जगह पे हम ए बाई बी रख देंगे, ठीक है, प्लस में ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब ए माइनस ए, अब ए माइनस ए हो जाएगा तो ए माइनस ए बराबर जीरो होता है और बटा में ए प्लस ए बराबर टू ए होता है और हम जानते हैं जीरो में किसी भी संख्या से भाग दें तो हमारा आंसर जीरो ही होता है, तो आंसर आ गया हमारा जीरो, ठीक है। और ऑप्शन में दिया है टू ए, ए इनफाइनाइट और जीरो, तो ऑप्शन नंबर जो हम चार है ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आप तक पहुँचाते रहेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो ऐसे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अगर पाना है, अगर चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।